हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12th का है, चैप्टर 10 का। क्वेश्चन क्या है, ये वेक्टर चैप्टर में से जो वेक्टर हमारा 10 चैप्टर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्या बोला है। इफ़ ए वैक्टर जो है बी वैक्टर एंड सी वैक्टर, ये 3 वैक्टर दिए ए बी एंड सी, आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी, एक यहाँ से नया वेक्टर मिलेगा ए और प्लस लेमडा बी को, इसको और इसको ऐड करना है मुझे इस परपेंडिकुलर, इससे एक नया वेक्टर मिलेगा। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बी की यहाँ, यहाँ से एक नया वेक्टर फॉर्म होगा हमारा। वो जो वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर, सी के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, ये वैक्टर निकालना है। ये वैक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, सी के। और एक बात आपको याद होगी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर आपस में तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होता है, जीरो। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है। ओके, गिवन क्या है, वेक्टर ए जो दे रखा है हमें, सॉल्यूशन लिख देना है यहाँ। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि ए वेक्टर कितना दिया है, 2i 2j + 3k। ओके, बी जो दे रखा है आपको दिया है -i + 2j + k। ओके, सी वेक्टर जो दिया है वो क्या दिया आपको, 3i + j। ओके, अब देखो मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये निकालना है। ओके, तो देखो कैसे निकल, ए की वैल्यू क्या है मेरी, 2i + 2j + 3k, सिंपल। प्लस लैम्डा एज इट इज बी वेक्टर, बी की जगह देखो क्या है, -1i + 2j + 3k, सिंपल है। ओके, सिंपल क्या करना है, अब देखो 2i + 2j + 3k, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ देखो लैम्डा की मल्टीप्लाई हम हर एक से करेंगे तो कितना आएगा, -1 × 1 λi + 2 λj + λk, सिंपल है। दोनों को कर दो ऐड, देखो आई आई वाले एक तरफ जाएंगे तो कितना आएगा, 2 - λi, समझ आया इतना, 2i - λi कितना हो गया, 2 - λi प्लस 2j + 2λ j। यहाँ देखो 3k, तो k के कॉमन आ जाएगा, 3 + λ और ये k, इतना समझ आया, सिंपल 3 + λ की। ये हो गया मेरा वेक्टर ए लैम्डा बी, इसको चाहो तो हम नया वेक्टर मान सकते हैं, इसको मानते हैं डी वेक्टर। ओके, तो जो डी वेक्टर मेरा क्या है, 2 - λi + 2 λj + 3 + λk। ओके, ये जो मेरा वेक्टर डी है। अब देखो क्या बोला है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर सी के। तो एक सी वेक्टर क्या था मेरा, 3i + j, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, इसलिए क्या होगा हमारा, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, जीरो। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, दो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होगा। ओके, इसको माइंड में लिख लो अच्छे से। चलो करते नेक्स्ट। अब देखो 2 - λ, अब सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है वेक्टर की, +2 + 2λj + 3 + λk, इतना समझ आया। अब ये आएगा डॉट, ओके, इसके साथ वेक्टर सी, सी क्या है मेरा, 3i + j = 0। अब डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा, ये मत बोलना डॉट प्रोडक्ट नहीं आता भैया, वो भी बताओ, नहीं ये हम चल पेपर के हिसाब से कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आई का आई से शायद करते हैं तो 1 होता है, ओके, और अपोजिट करेंगे आई का जे के साथ तो 0 हो जाता है, तो उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, आई के साथ जो कॉफिशेंट है और यहाँ आई के साथ जो कॉफिशेंट, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, कैसे, 2 - λ × 3, फिर प्लस 2 + 2λ × j के आगे कितना है, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 3 + λ, यहाँ k की वैल्यू नहीं, यानी k तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0। ओके,
इक्वल यहाँ पर भी जीरो। अब देखो टू का मल्टीप्लाई इससे सिक्स माइनस थ्री लेमडा, समझ आए, प्लस वन का इससे तो टू प्लस टू लेमडा, और ये टर्म पूरा जीरो और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो थ्री माइनस वन कितना आ गया, माइनस वन लेमडा इक्वल टू टू प्लस सिक्स एट, और इधर आके माइनस एट, इससे ये काटा तो लेमडा कितना आया मेरा सिंपल एट। तो लेमडा की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी, एट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है हमें। तो हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए थी, हमने वो निकाल लिया, तो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, ये तीन या दो मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, एक बार फिर से नज़र देख लो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हो कॉपी पर भी। ओके, बट इस क्वेश्चन को माइंड में याद रखना। ओके, कि क्वेश्चन को पढ़ो वो कहना क्या चाह रहा है। ओके, पढ़ते पढ़ते माइंड में रखो, हाँ ये टर्म ये होता है, ये टर्म ये होता है। जैसे मैंने बोला अभी, ये क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो मैंने, मेरे को ये क्वेश्चन मिल गई, ये क्वेश्चन से मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन को और लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।